लवकुश में जन्मे हैं, राम का विरोध करते हैं। नीतीश कुमार जी 6 MLA वाले समता पार्टी के नेता थे, उनको बड़ा नेता किसने बनाया? भाजपा ने। नीतीश कुमार के नाम पर वोट हम नहीं मांग रहे थे, हम नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट मांग रहे थे, वो गलत फहमी निकाल दे। नमस्कार, आप बिहार इन शॉर्ट्स देख रहे हैं। मैं हूं प्रवीण सिंह। बिहार सरकार के पूर्व मंत्री और भाजपा नेता सम्राट चौधरी नीतीश कुमार पर जमकर बरसे हैं। नीतीश कुमार को लेकर उन्होंने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार जो लौकुश में जन्मे वही राम का साथ नहीं देते हैं। देखिए सम्राट चौधरी क्या कुछ आरोप लगा रहे हैं नीतीश कुमार पर, आप देखिए। नीतीश कुमार जी को बड़ा भाजपा ने किया है, ये तो जानना होगा ना कि नीतीश कुमार जी 6 MLA वाले समता पार्टी के नेता थे, उनको बड़ा नेता किसने बनाया? भाजपा ने। वो बताएं कि भाजपा को बड़ा करने के लिए उनका क्या स्वरूप रहा? आज़ादी से सब दिन बिहार में 30, 35, 40, 50 MLA बिहार में जीत कर आते थे। कभी भी एक बड़ा स्टेप बता दीजिए बिहार में जो नीतीश कुमार जी ने भाजपा के सपोर्ट में काम किया। लवकुश में जन्मे हैं, राम का विरोध करते हैं, तो अब क्या आप कहना चाहते हैं कि जब राम का ही नहीं हुआ कोई व्यक्ति तो वो समाज का क्या होगा? एक बार बता दीजिए आप, किसी भारतीय जनता पार्टी के वर्कर ने कहा होगा कि हम बड़े भाई हैं? हमने सब दिन नीतीश कुमार को बड़ा भाई और गार्जियन माना। भारतीय जनता पार्टी के नेता अटल बिहारी वाजपेयी इनके गार्जियन थे, इनको बड़ा किया। राजनाथ सिंह, नरेंद्र मोदी जी इनके मित्रवत थे, नरेंद्र मोदी जी ने मित्रवत निभाया और भारतीय जनता पार्टी के पूरे बिहार के कार्यकर्ता ने इनको सम्मान दिया, गार्जियन माना। और इसका उदाहरण है, एक उदाहरण JDU दे, मैं कई उदाहरण देता हूँ। वो 37 MLA जीत कर आए और 69 MLA भाजपा जीत के आई 2000 में, तब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। 2005 में जॉर्ज फर्नांडिस ने, दिग्विजय सिंह ने उनको मुख्यमंत्री मानने से इनकार किया, तब भाजपा ने कहा मुख्यमंत्री होंगे। वो तो बताएं वो कब किस कब कुर्बानी दिए JDU ने, कब कुर्बानी दिया नीतीश कुमार ने भाजपा के लिए। एक उदाहरण दे के नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी है, 2020 के चुनाव में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चुनाव हुआ था। नीतीश कुमार हमारे बिहार के चेहरा जरूर थे, लेकिन नीतीश कुमार के नाम पर वोट हम नहीं मांग रहे थे, हम नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट मांग रहे थे, वो गलत फहमी निकाल दे। अरे हमको तो हेलीकॉप्टर दे के नीतीश कुमार भेजते थे कि यहाँ जाइए, नीतीश कुमार क्या बोलेंगे? वो घूमते थे कितने बार पूरे बिहार में, एक दिन में 4 सभा भी नहीं करते थे और हम लोग 8-8 सभा जनता दल यूनाइटेड के लिए करते थे। तो आपने देखा कि सम्राट चौधरी ने नीतीश कुमार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार को भाजपा ने बड़ा किया है, शुरुआत के समय में भाजपा ने हर वक्त नीतीश कुमार के लिए काम किया, नीतीश कुमार का साथ दिया, लेकिन नीतीश कुमार बताए कि उन्होंने भाजपा के लिए आज तक क्या किया। इसके अलावा सम्राट चौधरी ने यह भी कहा कि लौकुश में जन्मे और जब राम के नहीं हुए तो किसी का क्या होंगे, बड़ा आरोप लगा दिया है सम्राट चौधरी ने। अब देखना होगा कि भाजपा नेता के इस बयान पर JDU क्या कुछ पलटवार करती है। बहरहाल अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर लें। सम्राट चौधरी के इस बयान को लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट करके बताइएगा। वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को भी लाइक करें। धन्यवाद।